आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। कहते हैं जज्बे और जुनून के आगे असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ ऐसा ही जुनून एक पति को अपनी पत्नी की परेशानी को दूर करना था। पत्नी की परेशानी थी कि उसे 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर पानी लेने जाना पड़ता था। पत्नी की यह परेशानी देखकर पति ने जिद ठानी और उसने पहाड़ का सीना चीरकर कुआं खोद डाला। दरअसल यह कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। वाकया है मध्य प्रदेश के सीधी जिले का, जहां ग्राम बरबंधा में 40 साल के हरिनाम के सख्त ने पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरकर कुआं खोद डाला। हरि सिंह का कहना है कि उसकी पत्नी सियावती को पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था, जिसकी परेशानी उससे देखी नहीं गई और उसने चट्टानों के बीच कुआं खोदने की ठान ली। हरि सिंह ने 3 सालों में 60 फीट गहरा और 20 फीट चौड़ा कुआं खोद डाला है, जिसमें थोड़ा पानी भी निकला है। हरि सिंह को उम्मीद है कि उसे पर्याप्त पानी मिलेगा, जिसके लिए उसने खुदाई को अभी जारी रखा है। इसमें है क्या, वो अपने से खोद रहे हैं कुप, है ना? असल में वो जमीन है फॉरेस्ट की, हम भी खुदवा सकते थे, है ना? इनके चाचा जी के नाम उस घूम का पट्टा मिला था, है ना? वो पट्टा घूम गया है, और नहीं तो हम खुद TSAS करवा के, है ना, ये कूप खुदवा देते। इनको आश्वासन भी दिए थे। असल में है क्या कि जब TSAS होता है तो उसमें नक्शा खसरा है ना लगता है, और जगह जगह हैंड पंप हैं, है ना, कूप भी हैं। और है क्या कि बस्ती जो है यहाँ तो बिरल बस्ती है और पहाड़ी इलाका है, जमीन भी सबकी इधर उधर हैं, तो एक घर जैसे दूरी दूरी पे घर बना लेते हैं, है ना? तो थोड़ा सा इनको हर सुविधा दे पाना, है ना, कठिन होता। हम यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, श्रीमती जहरुन्निसा, ये ग्राम पंचायत बरबंधा है। बता दें कि हरि सिंह ने पहले कुआं खोदने के लिए पंचायत में फरियाद की, जिसके लिए कई बार वह पंचायत के चक्कर काटता रहा, लेकिन पंचायत के लोगों ने उसकी एक ना सुनी। ऐसे में थक हार कर हरि सिंह ने खुद ही कुआं खोदने का फैसला कर लिया। हरि सिंह ने बताया कि पहले तो चट्टानों के बीच कुआं खोदना उसे बेहद ही कठिन और असंभव काम लगा, क्योंकि जिस जगह पर कुआं खोदना था वहां पत्थर की चट्टानों के सिवाय मिट्टी का नामो निशान नहीं था। इन तमाम परेशानियों को देखने के बावजूद उसे अपनी पत्नी की परेशानी के आगे सब कुछ छोटा नजर आया और उसने जिद कर ली कि वह अब कुआं खोद कर ही दम लेगा, और उसने ऐसा कर दिखाया। हरि सिंह पानी के करीब पहुंच चुका है, जिसने अब तक 60 फीट गहरा कुआं खोदा है, जहां से पानी मिलना भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी पानी का स्तर कम है, जिस वजह से उसने खुदाई को जारी रखा है। हमारा नाम है हरि सिंह गोंड, पानी का थोड़ा तकलीफ था तो 2 किलोमीटर की दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो भाई हमारे जो पत्नी है वो थोड़ा तबीयत डाउन या कि कैसा, तो दूर पानी जाने का भाई कष्ट तो हो रहा है, इसलिए हम भाई यहाँ पहाड़ तोड़ के और कुआं खोदने का कष्ट किए हैं। आज 3 साल से कुआं खोद रहे हैं और अब पानी मिलने का भाई संभावना है, मिल चुका है थोड़ बहुत, और इसमें लगभग करीब 1 महीना 2 महीना या 3 महीना कितना लग जा रहा है, पोरसा खोद रहा है, 2 पोरसा खोद जाए कितना में वो पानी मिल रहा है पीने का प्राप्त पानी। अभी तो भाई कम से कम तो 1-2 बाल्टी पानी है वर्तमान में, अधिक तो नहीं है अब, इसलिए मन प्रयास कर रहा है कि नहीं को पानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई 5 घर 10 घर का बस्ती है तो सभी को पानी की भाई कष्ट है, यही है हमारा निवेदन। कौन सा गांव है ये? ये गांव तो बरबंधा है, ग्राम बरबंधा है।
आपने यहाँ के सरपंच, सचिव, विधायक या किसी से कहा कि हमें पानी की उपलब्धता की जाए? जी, ये तो हम कहा, तो वो बोले कि भाई यहाँ ये फॉरेस्ट की जमीन है तो यहाँ नहीं हो पाएगा। कौन बोला? ये सरपंच बोला था। हम बोले कि देखिए यहाँ राजेश की जमीन है, हमारा पट्टा भी है, बहुत तो नहीं है, 50 डिसमिल पट्टा है, जंगल भी का पट्टा मिला है, पर कहीं कि वो नहीं हो पाएगा, वो निरा जंगल में है। कौन बोला? सरपंच। सचिव यहाँ के क्या बोले? सचिव बोले कि हो गया, देखो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो क्या करें, हमारे पास की तो भाई नहीं है, शासन की चीज है। आपकी पत्नी क्या नाम? सियावती। आगे? गौड़, सियावती सिंह गौड़। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चा है, 1 बच्ची है।